वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन क्लिक कीजिए। हैवी डिस्काउंट स्मार्टफोन खरीदने के लिए व्यू प्रोडक्ट्स क्लिक कीजिए। रियलमी शाओमी जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को जो भारत के अंदर टक्कर दे सकता है वो भी वन एंड ओनली। स्मार्टफोन ब्रांड की अगर बात करें तो वो रियलमी ही हो सकता है, क्योंकि शाओमी की इतना ज्यादा मोनोपोली चल चुका था कि इसके स्मार्टफोन हर कोई पसंद कर ही लेता था, क्योंकि इतना कम कीमत के अंदर एक खुद कंपनी को लॉस करके भारत के अंदर इनकी सेल बढ़ा रहे थे। पर इनको टक्कर देने वाला Realme आ गया था, पर इन्होंने हल्के में लिया। Realme शायद क्या ही कुछ कर सकता है, हम लोग तो भारत के अंदर नंबर वन बन के बैठे हुए हैं। पर ये ज्यादातर इनकी सोच गलत साबित होगी, क्योंकि Realme एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन ऐसे लॉन्च करता गया जो आप लोग अभी फिलहाल के लिए ये मेरा वीडियो Realme के अंदर ही शायद देख रहे होंगे। अगर हाँ तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता सकती हो। खैर कॉम्पिटिशन इन लोगों के अंदर काफी ज्यादा होते रहता है, पर उसके बाद हम ना करते हुए डायरेक्ट बढ़ेंगे Realme की अपकमिंग स्मार्टफोन, जो कि बजट वेरिएंट के अंदर काफी दमदार फ्यूचर वाला स्मार्टफोन आपको शायद देखने के लिए मिल सकता है। ये कम से कम आपको हाई क्वालिटी फ्यूचर वाला स्मार्टफोन वो भी बजट वेरिएंट के अंदर ला कर दे सकता है। सो इट्स नन अनदर देन Realme C36 स्मार्टफोन, जो नाम इतना बड़ा है C36, पर इसकी कैमरा क्वालिटी भी उतना ही तगड़ा है, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर कहा जा रहा है 108 मेगापिक्सल की DSLR कैमरा फीचर दी जा सकती है। कैमरा क्वालिटी तो एक नंबर का बढ़िया होगा। स्मार्टफोन के अंदर तीन कैमराज हमको बैक साइड में देखने के लिए मिल जाएगा, बाकी दो कैमराज होंगे जो 18+8 मेगापिक्सल की कहा जा रहा है। फ्रंट सेल्फी में हमको 32 मेगापिक्सल की AI फीचर्ड सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल रहा है, जो खास तौर पर AI फीचर जो होगा आप विदाउट मेकअप ही आपके फेस को ए मेकअप कर देगा। शायद आप में से काफी सारे लोग जानते भी होंगे या फिर नहीं, अगर जानते थे तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। ये स्मार्टफोन के अंदर जबरदस्त गेमिंग फ्यूचर मिलने वाला है, जो अब तक सिर्फ हमको Redmi के स्मार्टफोन के अंदर बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस मिल रहा था जो प्राइस रेंज के हिसाब से वो लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है स्मार्टफोन के अंदर Qualcomm Snapdragon एक नया चिपसेट देखने के लिए मिलेगा, जो कि फर्स्ट टाइम एवर इसी स्मार्टफोन के अंदर हमको देखने के लिए मिल सकता है। एक बात आपको कंफर्म कर दे कि ये स्मार्टफोन 5G होगा ही, क्योंकि भारत के अंदर आने वाले 2-3 महीने के अंदर 5G ऑफिशियली रोल आउट हो जाएगा, शायद उस समय आप भी यूज कर रहे होंगे। सुपर अमोलेड डिस्प्ले स्मार्टफोन में दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है इनर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हो सकता है। गेमिंग के लिए दो डेडिकेटेड बटन्स दी जाएगी, जो आप गेमिंग एक्सपीरियंस कुछ अलग ही लेवल होने वाला है। खैर ये कैसे क्या कुछ काम करेगा आने वाले दिनों में हमको एग्जैक्टली पता चल सकता है। 60Hz की डिस्प्ले रिफ्रेश रेट दी जाएगी, और सबसे खास बात स्मार्टफोन के अंदर 5000mAh की बैटरी परफॉर्मेंस दी जाएगी, जो कि आजकल के जमाने में काफी ज्यादा जरूरी है। और इसको चार्ज करने के लिए 67W की फास्ट चार्जिंग दी जाएगी, पर उतना ही नहीं दोस्तों USB टाइप सी लाइटनिंग केबल भी दी जा सकती है। खैर लीक्स और रूमर्स के हिसाब से तो काफी धमदार ये फीचर्स होने वाला है, जैसे ही लॉन्च होगा तब इसके बारे में कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो आपको मैं बनाकर बता ही दूंगा। पर अवेलेबिलिटी की बात करें तो स्मार्टफोन के अंदर दो वेरिएंट अभी फिलहाल के लिए निकलकर सामने आया है, जो कि 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पर कहा जा रहा है हायर वेरिएंट भी हो सकता है 8GB रैम वाला, पर उसके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी के लिए तो नहीं है। वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन रॉकर्स डुअल स्टोरेज स्पीकर स्मार्टफोन के अंदर दी जा सकती है। सेंसर की तो कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जो स्मार्टफोन में रहनी चाहिए भर भर कर तो दी जाएगी। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स को दिखाने के लिए शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको और एक वीडियो के साथ, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।